हेलो गाइस, दिस इज समीर वाडकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, लाइक लेट मी टेल यू गाइस, आई एम ए फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो गाइस, यार मेरे पास यार थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस अभी आ गया है, सो दैट आई कैन गाइड यू इन अ गुड डायरेक्शन। सो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक आपको कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड लेनी चाहिए, लाइक कॉलेज कितना मैटर करेगा इन महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस, या कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, अगर हमारे कम परसेंटाइल से तो कितने चांसेस हमारे बन जाएंगे कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलने के। तो गाइस, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो गाइस आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है, लाइक व्हाट इज पर्पस बिहाइंड डूइंग इंजीनियरिंग। इन इंजीनियरिंग आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। आई एम ए फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जब आप ट्वेल्थ में होते हो और एंड जब आप फाइनल ईयर में होते हो, एंड दैट लर्निंग कर्व इज वेरी हाई व्हेन यू चूज इंजीनियरिंग कोर्स। अगर आप बाकी के कोर्स में उतनी ग्रोथ होती है, आई डोंट नो, बट इंजीनियरिंग में यार बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ होती है। लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन इंजीनियरिंग, लाइक बहुत कुछ होता है, लाइक प्रेजेंटेशंस, आपके वाइवास यार, इंटर्नशिप्स होती है, प्रोजेक्ट्स यार, बहुत कुछ, ट्रिप्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत कुछ प्लेसमेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे सीखने को मिलती है। आपको प्रेशर हैंडल करना होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप इंजीनियरिंग में सीखते हो, प्रेशर हैंडलिंग, एज वेल एज टीम में वर्क कैसे करना है, आपको डेडलाइन के अंडर कैसे वर्क कंप्लीट करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इनबिल्ट आप इंजीनियरिंग में सीख जाते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज लाइक विच ब्रांच शुड आई टेक। सो गाइस, देयर आर लॉट ऑफ न्यू ब्रांचेस आर कमिंग, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं यार, ब्रांचेस भी बढ़ रहे हैं। तो यार इसमें हमें कंफ्यूजन है, कौन सी ब्रांच लेंगे, कौन सी ब्रांच हमारे लिए बेस्ट है। तो गाइस यार, ये बहुत ही लाइक कुछ लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए दे डिसाइड कि यार चलो EXTC लेते हैं या फिर कोर ब्रांचेस लेते हैं। यार कुछ लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है, यार मेरा मुझे पता ही नहीं लग रहा यार मेरा किस में इंटरेस्ट है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। सो गाइस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है यार मुझे क्या करना है लाइफ में या फिर मेरा इंटरेस्ट किस में है, देन गाइज इन दिस केस यू हैव टू टेक IT फील्ड्स, मीन्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, AI, DS, whatever ब्रांच यू आर गेटिंग फ्रॉम IT फील्ड। वाई? बिकॉज गाइज इसमें आपको आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स और सिनारियोज ऑफ महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अभी क्या चल रहा है। तो गाइज, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यार IT कंपनीज ही आती है, भले आप कोर ब्रांचेस हैं उनकी प्लेसमेंट भी IT कंपनीज में ही होती है। एंड आपको अगर हाई पैकेजेस चाहिए, देन गाइज IT फील्ड में ही ज़्यादा आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। एंड गाइज 2021 में आपको देख रहे हो यार, टेक्नोलॉजीज बूमिंग एवरीवेयर, राइट? तो 2050 में यार आप फ्यूचर देखो एंड देन डिसाइड लाइक विच ब्रांच और विच डिसीजन विल गिव मी बेटर रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। सो डेफिनेटली यार IT फील्ड एक बेस्ट करियर डिसीजन रहेगा, बिकॉज द लर्निंग कर्व एंड द लाइक अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इसमें यार आपकी जो सैलरी हाइक भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गाइज IT करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सो गाइज, जब आप IT ब्रांचेस की बात कर रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI DS, AI ML और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो गाइज इनमें भी कंफ्यूजन होता है कि भैया इनमें से कौन सा लूँ। तो गाइज इनको अगर सिंपल वे में, अगर आपको और डिटेल में क्या डिफरेंस है इन ब्रांचेस के ऊपर अगर आपको जानना है, देन गाइज आई एम गिविंग यू 2 लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी। आप वहाँ पे जाओ और इनके सिलेबस के PDF डाउनलोड करो, देन गाइज और आपको सिंपल वे में समझेगा कि यार इनमें डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT में क्या डिफरेंस है, लाइक सिलेबस में कौन सी लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है IT इंजीनियरिंग में नहीं है, AI में कौन से पाइथन के साथ साथ कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें लर्न करने को मिल रहा है। तो गाइज ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आपका और डिसीजन थोड़ा ईजी जाएगा आपको ब्रांच सिलेक्शन करने में। तो यार महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमें कौन सी ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, तो गाइज लेट मी टेल यू गाइज, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, IT को प्रेफरेंस दो, देन उसके बाद AI और ये सब। बट ये मत समझो कि यार AI लिया तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। सो गाइज हियर आई एम टेलिंग यू वेरी फन फैक्ट, आपको ये पता होगा, आई डोंट नो पता है कि नहीं, सारे ब्रांचेस को सारी IT कंपनीज एक ही मानती है, लाइक आप सारे स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है, लाइक अगर 16 लाख की अगर कोई कंपनी आ रही है तो गाइज सब आप वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो, और जो भी वो कोडिंग क्वेश्चंस और जितने भी इंटरव्यू क्रैक करता है उसको वो प्लेसमेंट लग जाएगी।
तो गाइज ये मत सोचो कि यार मैं AI से इसलिए मेरी पैकेज मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। गाइज इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो अगर आपको वो कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है एंड अगर आप उस इंटरव्यू को क्रैक करते हो तो गाइज आप भले AI के हो, IT के हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो, तो आपको 16 लाख का जो पैकेज वो आपको मिल सकता है। गाइज ऐसा बात नहीं है, लाइक 32 लाख पैकेज वाला मैकेनिकल इंजीनियर भी क्रैक कर सकता है। कोई कोई कंपनीज होती है, लाइक ऐसे कंपनीज होते हैं जो कोर ब्रांचेस को भी अलाउ करती है अपने प्लेसमेंट के लिए। तो गाइज ब्रांचेस की पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इवन EXCC स्टूडेंट कैन क्रैक वो 60 लाख का पैकेज। तो गाइज ऐसी पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो कोई भी ब्रांच हो, अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो और वहाँ पे AI मिल रहा है तो गाइज डेफिनेटली लो। अगर DJ सांगवी में आप बोल रहे हो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, IT इंजीनियरिंग चाहिए, बट मेरे परसेंटाइल कम है, तो मैं क्या AI ले सकता हूँ? अगर आपके AI का कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो गाइज डेफिनेटली गो फॉर AI। बिकॉज अगर आप DJ सांगवी में AI ले रहे हो तो बिकॉज आपको हाई पेइंग कंपनीज को टारगेट करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल रहा है। वहाँ पे आप IT कंपनीज के लिए बैठ सकते हो। बिकॉज ब्रांच मैटर नहीं करता, आपको वहाँ पे कंपनीज को बैठने के लिए अपॉर्चुनिटी वो इम्पोर्टेंट है। तो गाइस थोड़ा हम अभी शिफ्ट होते हैं EXCC ब्रांच की तरफ। तो गाइस EXCC ब्रांच हमें लेना चाहिए कि नहीं? तो गाइस ऐसे स्टूडेंट जो कि लाइक प्लेसमेंट टारगेटेड है, लाइक प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, उनको प्लेसमेंट चाहिए, हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो गाइस EXCC एक फ्लेक्सिबल ब्रांच है जो कि आपको एक ऑप्शन देता है हाई पेइंग IT कंपनीज में बैठने का, राइट? अगर आप DJ सांगवी में आपको EXCC लेते हो तो गाइस EXCC ऐसी ब्रांच है जो कि आपको IT कंपनीज में बैठने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। आप वहाँ पे कोई भी CS कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट आई है, तो भी आप EXCC ब्रांच से तो भी आप बैठ सकते हो, ठीक है? तो EXCC ब्रांच का ये बेनिफिट होता है। तो यार कोई स्टूडेंट होते हैं लाइक वो पूछते हैं लाइक भैया हाई टॉप कॉलेज में हमें EXCC लेना चाहिए कि नहीं? लाइक हमें 98 है, 97 है और हमें लाइक थर्डोमल जैसे कॉलेज में या फिर BSIT कॉलेज में मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकता है, बट मुझे SPIT ट्राई करना चाहिए कि नहीं EXCC के लिए? तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट EXCC लेते हैं एट SPIT। व्हाई? बिकॉज जब वो SPIT में जाते हैं वो EXCC लेके, तो उनको लास्ट में यार 42 लाख जैसे कंपनीज को बैठने का एक मौका मिलता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट वहाँ पे एक EXCC ब्रांच वाले स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाउ? अगर वो कोडिंग सीख रहे हैं लाइक 4 ईयर तक जो उनकी जर्नी रहेगी इंजीनियरिंग लाइफ की, 4 साल तक, तो उन 4 साल तक उनको कोडिंग भी सीखना है EXCC के साथ, इन ऑर्डर टू टारगेट दोज हाई पेइंग IT कंपनीज। तो यार EXCC में अगर आपको EXCC ले रहे हो तो यार आपको कोडिंग साइड बाय साइड सीखनी पड़ेगी अगर आप अच्छे कॉलेजेस में टारगेट कर रहे हो, ठीक है? तो EXCC ब्रांच का ये एक ऑप्शन था। अगर आप बोल रहे हो यार मुझे EXCC में कोर कंपनीज चाहिए लाइक कम्युनिकेशन रिलेटेड, Jio, Airtel लाइक स्टफ, तो गाइस यार महाराष्ट्र में सारे टारगेट लाइक Tier 3 कॉलेजेस है, तो वहाँ पे आपको यार कोर कंपनीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे यार। लाइक आती हो रहेंगे तो यार फिर VJTI, COEP इन कॉलेजेस में आती है, सरदार पटेल कॉलेजेस में, तो वो भी बहुत कम आती है, वहाँ पे भी कम आती है, वहाँ पे भी IT कंपनीज ज़्यादा आती है। तो EXCC ब्रांच एक सेफर ऑप्शन है इफ़ यू वॉन्ट टू सिट फॉर कोडिंग कंपनीज, राइट? अगर आपको लो परसेंटाइल्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था लो परसेंटाइल अगर किसी स्टूडेंट को है, तो गाइज आप EXCC लो अच्छे कॉलेज में, आप वहाँ पे कोडिंग साइड बाय साइड 4 साल सीखो एंड देन टारगेट फॉर हाई पेइंग कंपनीज। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT इंजीनियरिंग AI का कट ऑफ क्लियर नहीं पा रहे हो तो गाइज अच्छे कॉलेज में EXCC में जाओ। गाइज ये आई एम टेलिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, आपका भी डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपको EXCC में इंटरेस्ट नहीं है तो लेके फ़ायदा क्या? बट अगर आपको यार अच्छा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज इज मैटर कर रहा है, तो गाइज आप EXCC भी वहाँ पे जाके ले सकते हो। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट कोर ब्रांचेस। तो गाइज हमें कोर ब्रांचेस लेना चाहिए कि नहीं? लाइक केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो गाइज ये कोर ब्रांचेस हमें लेने चाहिए कि नहीं? तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा आप कोर ब्रांचेस तभी लो जब आपको अश्योरिटी है कि मुझे टॉप कॉलेज मिलने वाला है, लाइक सरदार पटेल, VJTI, COEP, उन कॉलेजेस में आप जब कोर ब्रांचेस में लोगे तो गाइज ICT, तो गाइज इन कॉलेजेस में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, राइट? कोर ब्रांचेस में, अगर आप कोर ब्रांचेस में अगर आप थोड़े लो लेवल के कॉलेजेस में ले रहे हो तो गाइज आई एम टेलिंग यू ट्रूथ हियर, आपका प्लेसमेंट कंपनीज बहुत कम आएगी और प्लेसमेंट के आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू IT फील्ड्स। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू हियर, बट दिस इज अ फैक्ट। बट आपको कोर ब्रांच लेना चाहिए अगर आप
पूरे पैशनेट हो, आपको अपना करियर उस फील्ड में बनाना है, यार यू लव द थिंग्स दैट हैपनिंग इन दैट ब्रांच, आपको यार रिसर्च में जाना है, यार डेफिनेटली सिलेक्ट दिस कोर ब्रांचेस। तो इस कोर ब्रांचेस आप तभी लो जब आप पैशनेट हो। तो इस केस में कोर ब्रांच मत लो बिकॉज मुझे कोडिंग अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे कोर ब्रांच ले रहा हो। तो गाइस कोर ब्रांच में जाके भी आप यार आगे जाके आप थोड़ा आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी प्लेसमेंट में भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो गाइस ये डिसीजन आपको अभी लेना है। तो गाइस आपको सिलेबस के PDFs डाउनलोड करना है। आपको अगर चाहिए तो मैं दोनों पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके वो देख लेना। तो गाइस इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर लगेगा कि यार कौन सी ब्रांच मुझे लेनी चाहिए। आई होप गाइस ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू सिलेक्ट योर बेस्ट करियर डिसीजन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।